नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले थैंक यू उपदीप जी, अनूप जी, रमाशंकर जी, जय दयाल जी, दीपाली जी, स्नेहा जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अनूप जी कह रहे थे कि मैं वीडियो के अंत में 5 प्रश्नों को शामिल करूं, तो मैं आज से ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं वीडियो के लास्ट में कुछ प्रश्न आपसे पूछूंगी और आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना है और जिसके सही आंसर मैं अपने अगले वीडियो में आपको दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम बात करेंगे रैदास यानी रविदास जी के बारे में। रैदास या रविदास रामानंद जी के 12 शिष्यों में रैदास भी माने जाते हैं। ठीक है, रामानंद जी के 12 शिष्यों में रैदास भी माने जाते हैं जो जाति के चमार थे। इन्होंने कई पदों में अपने को चमार कहा है। अभी आपको बताया मैंने पिछले वीडियो में कि रामानंद जी ने सभी के लिए भक्ति का मार्ग खोल दिया था। ऊंच नीच जात पात सभी के व्यवहार को खत्म, जो आदि का जो विचार था उसको खत्म करके एक उदारवादी भक्ति की ओर वो अग्रसर हुए थे। तो अब ये रैदास जी भी इन्हीं के शिष्यों में से एक माने जाते हैं और कई अपनी जो पद हैं उसमें उन्होंने अपने आप को चमार स्वीकार किया है। कह रैदास खलास चमारा, है ना, ऐसी मेरी जात विख्यात चमार। ऐसा जान पड़ता है कि ये कबीर के बहुत पीछे स्वामी रामानंद के शिष्य हुए, क्योंकि अपने एक पद में इन्होंने सेन और कबीर और सेन नाई दोनों के तरने का उल्लेख किया है। रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं ऐसा लगता है कि जो रैदास जी थे ये कबीर जी के बहुत बाद में रामानंद जी के शिष्य हुए थे, क्योंकि अपने एक पद में उन्होंने ये कहा है कि रामानंद कबीर दास और सेन के तर जाने का उल्लेख किया है। ठीक है, देखते हैं वो कौन सा दोहा है। नामदेव कबीर तिलोचन साधना चैन तरे, कह रविदास सुनऊ रे संतों हरि त्यों ते सब ही सरे। कबीर के समान रैदास भी काशी के रहने वाले कहे जाते हैं। इनके एक पद से भी यही पाया जाता है, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत फिर ही अजो बनारसी आस पासा। आचार सहित विप्र करही दंडौत तिन तने रविदास दासानुदासा। और रैदास नाम धन्ना मीराबाई ने बड़े आदर के साथ लिया है, है ना। तो रैदास जी का नाम मीराबाई ने बड़े आदर के साथ लिया है। कहा जाता है रैदास जी उनके गुरु थे। रैदास की भक्ति भी निर्गुण ढांचे की जान पड़ती है। कहीं तो वह अपने भगवान को सब में व्यापक देखते हैं। अभी मैंने आपको निर्गुण और सगुण भक्ति में पिछले वीडियो में अंतर बताया था, है ना। रैदास जी की व्यक्ति थी वो भी निर्गुण जान पड़ती थी, क्योंकि वो ईश्वर को कहीं कहीं पे सर्वव्यापक यानी सभी जगह व्याप्त बताते थे, और जो सभी जगह व्याप्त होता है वो निर्गुण में ही आता है अधिकतर। थावर जंगम कीट पतंगा पूरी रहो हरिदाई। और कहीं कहीं कबीर की तरह परात्पर की ओर संकेत करके कहते हैं, गुण निर्गुण कहियत कही जाके, है ना। रैदास का अपना अलग प्रभाव पछाह यानी पीछे की ओर जान पड़ता है। साधो का एक संप्रदाय जो फरखाबाद से थोड़ा बहुत मिर्जापुर में भी पाया जाता है, रैदास की ही परंपरा का कहा जा सकता है, क्योंकि उसकी जो स्थापना थी वो संबत 1600 यानी उसके स्थापना करने वाले श्री भान उदयदास के शिष्य थे और उदयदास रैदास के शिष्यों में गिने जाते हैं। तो रैदास की परंपरा में आ गए ना, रैदास के शिष्य उदयदास और उदयदास के शिष्य वीर भान ने इस परंपरा की स्थापना की थी। तो रैदास की ही परंपरा में इसको माना जाता है। रैदास का कोई ग्रंथ नहीं मिलता, फुटकल पद ही बानी के नाम से संत बानी सीरीज में संग्रहित। 40 पद तो आदि गुरु ग्रंथ साहब में दिए गए हैं, कुछ पद नीचे
उद्धृत किए जाते हैं। दूधता बछरे थनेहु बिडारे फुल भंवर जिन मीन बिगारे माई गोविंद पूजा कहाँ ते चढ़ाऊं अवर तो फूल अनूप न पावूं। मलयागिरी वे रहे हैं भुवंगा विस अमृत बसई एक संगा तन मन आपर पूजा चढ़ाऊं गुरु प्रसाद ही निरंजन पावूं। पूजा अर्चा आहि न तोरी कह रविदास कवन गति मोरी अखिल खिले नहीं कहने का कह पंडित कोई न कह समझाई अवरन बरन रूप ना जाके कह लो लाई समाई चंद सूर नहीं रात दिवस नहीं धरन आकाश न भाई करम अकरम नहीं शुभ अशुभ नहीं का कहीं देखू बढ़ाई देहू बढ़ाई जब हम होते तब तू नाही अब तू है मैं नाही अतल अगम जैसे लहरिमण उदति जल केवल जलमाई। ये पंक्तियाँ महत्वपूर्ण है कई बार पूछी जा चुकी हैं लेकिन आगे बाकी की भी पंक्तियाँ देख लीजिएगा ये अभी कई बार पूछी जा चुकी हैं। माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा जैसा मानिए होए न तैसा नरिपति एक सिंहासन सोया सपने भया भिखारी अक्षत राज बिछुरत देख पाया सोगति भई हमारी। धर्मदास अब धर्मदास की बात कर लेते हैं। उनके रैदास जी के पद खत्म हो गए बहुत ज़्यादा रैदास जी के बारे में नहीं दिया है निर्गुण भक्ति शाखा के थे। धर्मदास ये बांधवगढ़ के रहने वाले और जाति के बनिए थे है ना। बाल्यावस्था में से ही इनके हृदय में भक्ति का अंकुर था और ये साधुओं का सत्संग दर्शन पूजा देशाटन आदि किया करते थे। मथुरा से लौटते समय कबीरदास जी के साथ इनका साक्षात्कार हुआ मतलब कबीरदास जी से ये मिले। उन दिनों संत समाज में कबीरदास जी की पूरी प्रसिद्धि हो चुकी थी। कबीर के मुख से मूर्ति पूजा तीर्थाटन देवार्चन आदि का खंडन सुनकर इनका झुकाव निर्गुण संत मत की ओर हुआ। मतलब पहले ये सगुण थे सत्संग दर्शन पूजा सब किया करते थे लेकिन कबीर से मिलने के बाद में ये निर्गुण संप्रदाय की ओर संत मत की ओर झुक गए। अंत में ये कबीर से सत्य नाम की दीक्षा लेकर उनके प्रधान शिष्यों में हो गए और संवत 1575 में कबीरदास के परलोकवास पर उनकी गद्दी इन्हीं को मिली। वाह कहते कबीरदास के शिष्यों में होने पर भी इन्होंने अपनी सारी संपत्ति जो बहुत अधिक थी वो सब लुटा दी थी। ये कबीरदास जी की गद्दी पर 20 वर्ष तक लगभग रहे और अत्यधिक वृद्ध होकर इन्होंने शरीर छोड़ा। कबीरदास जी भी 120 साल जिए थे। इनकी शब्दावली का भी संतों में बड़ा आदर है। इनकी रचना थोड़ी होने पर भी कबीर की अपेक्षा अधिक सरल भाव लिए हुए है उसमें कठोरता और कर्कशता नहीं है। अब कबीरदास जी सबको फटकारने का काम करते थे तो उनकी वाणी में थोड़ी कर्कशता होना तो इनकी स्वाभाविक है। इनकी वाणी में कर्कशता नहीं थी थोड़ा सा मतलब सरल भाव लिया था। इन्होंने पूर्वी भाषा का ही व्यवहार किया। इनके अन्योक्ति के व्यंजक चित्र अधिक मार्मिक है क्योंकि इन्होंने खंडन मंडन से विशेष प्रयोजन न रख प्रेम तत्व को लेकर अपनी वाणी का प्रसार किया। उदाहरण के लिए कुछ नए पद कुछ पद नीचे दिए जा रहे हैं। खंडन मंडन में जब पढ़ता है कोई भी इंसान तो उतना ज़्यादा मार्मिकता नहीं रह जाती है उसके पदों में। इन्होंने ज़्यादा खंडन मंडन से नहीं मतलब रखा। झरी लागे महलियाँ गगन अघर घर हराए खन गरजे खन बिजली चमके लहर उठे शोभा बरिन न जाए सुन्न महल से अमृत बरसे प्रेम अनंत हने दुख साधु नहाए खुल केवरियाँ मिठी अंधियारियाँ धानी सतगुरु जिन दिया लखाए धर्मदास बिनवे कर जोरी सतगुरु चरण में रहत समाए। ये इनकी पंक्ति है अभी तक विशेष पूछी नहीं गई है लेकिन देख लीजिएगा। मितो मणया सूनी कर गैलो अपना बलम परदेश निकर गैलो हमार के किछुवे न गुण दे गैलो जोगिन होय के मैं बन बन ढूंढो हमरा के विरह बैराग दे गैलो संग की सखी सब पार उतर गईली हम धानी ठाड़ी अकेली रह गैलो।
धर्म ये अर्ज करत है सार शब्द सुमरी सुमिरन दय गए लो। ठीक है, ये इनका था। अब देखते हैं गुरु नानक जी के बारे में। गुरु नानक जी का जन्म संवत 1526 कार्तिक पूर्णिमा के दिन तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। पूर्णिमा के दिन ज्यादातर लोगों का जन्म हुआ था, सही है। इनके पिता कालू चंद खत्री जिला लाहौर तहसील सरकपुर के तलवंडी नगर के सूबा बुलार पठान के कारिंदा थे। इनकी माता का नाम तृप्ता था। नानक जी बाल्यावस्था से ही अत्यंत साधु स्वभाव के थे। संवत 1545 में इनका विवाह गुरदासपुर के मूलचंद खत्री की कन्या सुलक्षणी से हुआ। सुलक्षणी से इनके दो पुत्र हुए, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। श्रीचंद आगे चलकर उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक बने, ध्यान रखिएगा। पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने के लिए बहुत से उद्योग किए, पर ये सांसारिक व्यवहारों में दत्तचित्त ना हुए, मतलब इनका मन नहीं लगा सांसारिक कामों में। एक बार इनके पिता ने व्यापार के लिए कुछ धान दिया, जिसको इन्होंने साधुओं और गरीबों में बांट दिया। पंजाब में मुसलमान बहुत दिनों से बसे थे, जिससे वहाँ के उनके कट्टर एकेश्वरवाद का संस्कार धीरे धीरे प्रबल हो रहा था। लोग बहुत से देवी देवताओं की उपासना की अपेक्षा एक ईश्वर की उपासना को महत्व और सभ्यता की चित समझने लगे थे। यहाँ पे चिन्ह होना चाहिए आई थिंक। शास्त्रों के पठन पाठन का क्रम मुसलमानों के प्रभाव से प्रायः उठ गया था। जब से मुसलमानों का प्रभाव भारतवर्ष में पड़ा, तब से शास्त्रों के पठन पाठन का प्रभाव प्रायः खत्म हो गया। लोगों का जितने भी ज़्यादा संत आए, उन्होंने सूफियों के साथ मिलकर एक बीच का मार्ग निकाल, भक्ति का निकाला, और ज़्यादातर जो शास्त्रों का पठन पठन पाठन था, उनका प्रभाव उठ गया, नहीं रह गया था इससे, जिससे धर्म और उपासना के गुण तत्व को समझने की शक्ति नहीं रह गई थी, है ना। गुण मतलब जो गहरे रहस्य होते हैं, धर्म और उपासना के जो वास्तविक रहस्य होते हैं, उनको समझने की शक्ति नहीं रह गई थी, क्योंकि अब वो ज़्यादा पठन पाठन में नहीं लिए जाते थे। अतः जहाँ बहुत से लोग जबरदस्ती मुसलमान बनाए जाते थे, वहाँ कुछ लोग शौक से भी मुसलमान बनते थे। ऐसी दिशा में कबीर द्वारा प्रवर्तित निर्गुण संतमत एक का एक बड़ा भारी सहारा समझ पड़ा। गुरु नानक आरंभ से ही भक्त थे, अतः उनका ऐसे मतों की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक था। उनकी उपासना का स्वरूप हिंदू और मुसलमानों दोनों को स्वराम समान रूप से ग्राह्य हो, मतलब गुरु नानक जी का जो उपासना का ढंग था, वो हिंदू और मुसलमानों दोनों को समान रूप से ग्राह्य हो। उन्होंने घर बार छोड़ बहुत दूर दूर के देशों में भ्रमण किया, जिससे उपासना के समान स्वरूप स्थिर करने में उन्हें तो बड़ी सहायता मिली। अंत में कबीरदास की निर्गुण उपासना का प्रचार उन्होंने पंजाब से आरंभ किया और सिख संप्रदाय के आदि गुरु हुए, है ना। उन्होंने पहले कबीरदास जी के निर्गुण उपासना का प्रचार पंजाब में आरंभ किया, और उसके बाद वो सिख संप्रदाय के आदि गुरु हुए गुरु नानक देव। कबीरदास जी के समान वे भी कुछ विशेष पढ़े लिखे न थे। भक्तिभाव से पूर्ण होकर वे जो भजन गाया करते, उनका संग्रह ग्रंथ साहब गुरु ग्रंथ साहब में किया गया है, संवत 1661। ये भजन कुछ तो पंजाबी भाषा में है और कुछ देश की सामान्य काव्य भाषा हिंदी में है। ये हिंदी तो कहीं हिंदी कहीं तो देश की काव्य भाषा या ब्रज भाषा है, और कहीं खड़ी बोली, जिसमें इधर उधर के पंजाबी रूप इधर उधर पंजाबी रूप भी आ गया है, जैसे चल्या रहया। भक्ति या विनय के पद सीधे साधे भाव सीधी साधी भाषा में कहे गए हैं। कबीर के समान अशिक्षितों पर प्रभाव डालने के लिए टेढ़े मेढ़े रूपों में नहीं, मतलब एकदम सीधी साधी उन्होंने भाषा में अपनी बातें कही हैं, ऐसे टेढ़े मेढ़े रूपकों में नहीं कही हैं, जिससे कि वो अशिक्षित जनता पर अपना प्रभाव डालना चाहते हों। इससे इनकी प्रकृति की सरलता और अहम भाव शून्यता का परिचय मिलता है। इनका देहांत संवत 1596 में हुआ। संसार की अनित्यता, भगवत शक्ति और संत स्वभाव के संबंध में उदाहरण स्वरूप दो पद दिए जाते हैं। दो पद हैं, ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछ भी लिए जाते हैं। इस दमदा मैनू की बे भरोसा, आया आया ना आया ना आया, ये संसार रैंदा सुपना, कहीं देखा कहीं ना ही दिखाया। सोच विचार करें मत मन में, जिसने ढूंढा उसने पाया,
नानक भक्ति दे पद पर से निस दिन राम चरण चित लाया। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सनेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, नहीं निंदा नहीं अस्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हरस शोक ते हैं ते रहे नियारो, ना ही मान अपमाना, आशा मनसा सकल त्यागी के, जगत ते रहे निरास, काम क्रोध जही पर से नाही, ना तेही घट ब्रह्म निवासा, गुर कृपा जही नर पे कीनी, तिन यह जुगुति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो, ज्यो पानी संग पानी। ठीक है, दादू दयाल। यद्यपि सिद्धांत दृष्टि से दादू दयाल कबीर के मार्ग के ही अनुयायी थे, पर उन्होंने एक अपना अलग पंथ चलाया था। मतलब ये सैद्धांतिक दृष्टि से तो कबीर के ही अनुयायी थे, लेकिन इन्होंने अपना एक अलग पंथ चलाया था जो दादू पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दादू पंथी लोग इनका जन्म 1601 में गुजरात के अहमदाबाद नामक स्थान पर मानते हैं। अब जो संतों के जन्म के स्थान और सन है, ये तो आप सभी समझते हैं कि ज़रूरी ही है। इस चीज़ को बार बार मैं क्या बताऊँ, ये तो आपको पता ही होनी चाहिए। इनकी जाति के संबंध में भी मतभेद है। कुछ लोग इन्हें गुजराती ब्राह्मण मानते हैं और कुछ लोग इन्हें मोची या दुनिया मानते हैं। कबीर साहब की उत्पत्ति कथा से मिलती जुलती दादू दयाल की उत्पत्ति कथा भी दादूपंथी लोग कहते हैं। उनके अनुसार दादू बच्चे के रूप में साबरमती नदी में बहते लोधी राम नामक एक नागर ब्राह्मण को मिले थे। चाहे जो हो, अधिकतर ये नीची जाति के ही माने जाते हैं। दादू दयाल का गुरु कौन था ये ज्ञात नहीं है। दादू दयाल का गुरु ज्ञात नहीं है, ध्यान रखिएगा। इस जगह पे आपको कई बार घुमाया जा सकता है प्रश्न में, पर कबीर का इनकी वाणी पर बहुत जगह नाम आया है और इससे कोई संदेह नहीं है कि ये इन्हीं के अनुयायी थे। दादू दयाल 14 वर्ष तक आमेर में रहे। वहाँ से मारवाड़, बीकानेर आदि स्थानों पर घूमते हुए संवत 1659 में नराना में, जो जयपुर से 20 कोस दूर है, आकर रह गए। वहां से 3-4 कोस पर भराने की पहाड़ियां हैं, वहां भी ये अंतिम समय में कुछ दिन तक रहे और वहीं संवत 1660 में इन्होंने शरीर छोड़ा। वह स्थान दादू पंथियों का प्रधान अड्डा है और वहां दादू जी के कपड़े और पोथियां अब तक रखी हैं। और निर्गुण पंथियों के समान दादूपंथी लोग भी अपने को निरंजन निराकार का उपासक बताते हैं। ये लोग ना तिलक लगाते हैं ना कंठी पहनते हैं, साथ में एक सुमिरनी रखते हैं और सत्ताराम कहकर अभिवादन करते हैं। दादू की वाणी अधिकतर कबीर की साखी से मिलते जुलते दोहों में है। कहीं कहीं गाने के पद भी हैं। भाषा मिली जुली पश्चिमी हिंदी है, जिसमें राजस्थानी का मेल है। जितने भी इस तरह के साधु संत निर्गुण पंथी हुए, ध्यान दीजिए उनकी जो भाषा है पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी मिली हुई। इन्होंने कुछ पद गुजराती, राजस्थानी और पंजाबी में भी कहे। कबीर के समान पूर्वी हिंदी का व्यवहार इन्होंने नहीं किया। इनकी रचना में ये जैसे लाइन है, ये थोड़ा सा अलग करती है इनको कबीर से। इस तरह की लाइनें आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए। इन्होंने कबीर के समान पूर्वी भाषा में व्यवहार नहीं किया है। कूट वगैरह के प्रश्नों में इस तरह से पूछा जा सकता है। इनकी रचना में अरबी फारसी के शब्द अधिक आए हैं और प्रेम तत्व की व्यंजना अधिक है। घट के भीतर रहस्य के प्रदर्शन की प्रवृत्ति इनमें बहुत कम है। मतलब उस तरह का एकदम सीधा सरल इन्होंने भी रखा है कि घट के भीतर रहस्य और इस तरह कि अजीब चमत्कार पूर्ण भाषा का प्रयोग करके जनता पे अपना प्रभाव डालने की कम कोशिश की है। दादू की बानियों में यद्यपि उक्तियों का वह चमत्कार नहीं है जो कबीर की बानी में मिलता है, पर प्रेम भाव का निरूपण अधिक सरस और गंभीर है। कबीर के समान खंडन और वाद विवाद में इन्हें रुचि नहीं थी। मतलब कबीरदास जी ने अपने देखा कि उन्होंने जिसमें जो अच्छाई थी उसको ग्रहण करके कबीर पंथ चलाया, अपना पंथ निर्माण किया, और जो भी उसमें कमी थी उसमें उसके खंडन मंडन में विशेष ध्यान दिया। इनकी उसमें कोई रुचि नहीं थी। इनकी वाणी में भी वही प्रसंग है जो गुणनिर्गुण की वाणियों में साधारणता आया करते हैं, जैसे ईश्वर की व्यापकता, गुरु की महिमा, जाति पाति का निराकरण, हिंदू मुसलमानों का अभेद, संसार की अनित्यता, आत्मबोध। इनकी रचना में कुछ अनुमान नीचे उक्त पद्यों से हो सकता है। ये देखिए, ज़्यादातर लोग इस समय हिंदू मुस्लिम अभेद
पे ध्यान दे रहे थे, तो ये भी इस काल की रचनाओं की एक प्रमुख विशेषता है। जीव दूध में रम रहा व्यापक सभी ठौर, दादू बक्ता बहुत है मति काढ़े ते और। सही है। ये मसीत यह देहरा सतगुरु दिया दिखाई, भीतर सेवा बंदगी बाहर काहे जाई। दादू देख दयाल को सफल रहा भरपूर, रोम रोम में रमे रहा तू जानी जाने दूर। केते पारिक पच हुए कीमत कहीं न जाए, दादू सब हैरान हैं गूंगे का गुड़ खाए। वाह। जब मन लागे राम सो, तब अनत काहे को जाई, दादू पानी लूण ज्यो ऐसे रहे समाई। भाई रे ऐसा पंथ हमारा, दवे पख रहित पंख गह, पूरा अभरण एक अधारा। वाद विवाद काहू सो नाही, मैं हूँ जगते न्यारा, सम दृष्टि स्यू भाई सहज में आप ही आप बिचारा। मैं ते मेरी यह मति नाही, निर्बैरी बिकारा, काम कल्पना कदै न कीजे पूरन ब्रह्म प्यारा। यहीं पर तो पहुँच प्यार गही दादू, सो जब सहज संभारा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसके बाद सुंदरदास जी क्योंकि थोड़े महत्वपूर्ण हैं, इनको मैं कल के वीडियो में आपको बताती हूँ। अब जल्दी से 5 प्रश्न सुन लीजिए। पहले मुझे इस चीज का उत्तर दीजिए कि कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति किस संवत में मिली, ठीक है। दूसरा आप मुझे बताइए कि कबीर का जन्म कब हुआ था। और तीसरा प्रश्न आपके लिए है कि जो मुस्लिम है वो मुस्लिम किसको कबीरदास जी का गुरु मानते हैं, ठीक। और चौथा, कबीरदास जी ने गुरु दीक्षा गुरु किसको माना था, कबीरदास जी के गुरु कौन है। और एक और प्रश्न, मैं थोड़ा वैसे प्रश्न नहीं पूछना चाह रही हूँ जिसमें आपको लिखना ज्यादा पड़े। कबीर की वाणी का संग्रह कितने भागों में है, उनके नाम बताइए, ठीक है। चलिए ये थे आज के प्रश्न। मैं इंतजार करूंगी आपका, कमेंट बॉक्स में आंसर देखूंगी कौन कौन कितने मन से पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।